एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री पूनम महाजन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्रीमान रामलाल जी और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चे के प्रभारी श्री मुरलीधर जी राव, सांसद बंडारू दत्तात्रेय जी, विधायक श्री किशन रेड्डी जी, सौरभ चौधरी, मधुकेश्वर देसाऊ, इमप्रीत सिंह बक्सी, भारत गौड़, रमेश नायडू, हर्ष सिंघवी, अभिजीत मिश्रा, महिपाल रेड्डी, शौकत दत्ता, रवि कुमार, एजाज हुसैन राठौर और यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद मेरे हिंदुस्तान के मेरे बहादुर नौजवानों, सबसे पहले मैं आप सभी नौजवानों को भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठाने के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री पूनम महाजन का भाषण सुना है। पूनम महाजन को बोलते हुए पहली बार हमने विस्तार पूर्वक बोलते हुए सुना है और मैं बराबर पूनम महाजन के हर वाक्य को गौर से सुन रहा था और साथ ही पूनम महाजन की भाव भंगिमा भी मैं बोलते हुए देख रहा था। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस युवा महिला को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वह हिंदुस्तान के नौजवानों को सही दिशा देने में, नेतृत्व देने में पूरी तरह से कामयाब रहेगी। और आज जब मैंने मंच पर पूनम महाजन को देखा, क्षण भर के लिए बहनों भाइयों, मैं भावुक हो गया, क्योंकि पूनम महाजन के स्वर्गीय पिता श्री प्रबोध महाजन जी के साथ काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं भूल नहीं सकता 1986 जब भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि मैं अपनी भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहूंगा तो केवल राजनाथ सिंह को बनाना चाहूंगा। मैंने अपनी तरफ से अनिच्छा व्यक्त की, मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही काम करना चाहूंगा, मैं राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने मुझे समझाने के लिए उस समय के अध्यक्ष माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे को मेरे पास भेजा और ठाकरे जी ने जाकर मुझे समझाया कि राजनाथ सिंह, प्रमोद जी चाहते हैं कि आप ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जिम्मेदारी संभालें। 6 महीने के बाद मैंने अपनी सहमति दी और उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। वह योग्यता, प्रतिभा, क्षमता जो प्रमोद जी के अंदर मैंने देखी थी, बहनों भाइयों, आज वही झलक आपकी अध्यक्षा सुश्री पूनम महाजन के अंदर मुझे देखने को मिली है। मैं कह सकता हूं कि यह योग्य पिता की, यह योग्य पुत्री के रूप में अपने को सिद्ध किया है। और आज इस अधिवेशन में कदम रखते ही नौजवानों के अंदर जो उमंग और उत्साह मैंने देखा है, बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि इस भारत को एक सशक्त भारत बनाने, स्वाभिमानी भारत बनाने का जो हमारा सपना है, उस सपने को साकार होने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को एक एजेंट ऑफ चेंज के रूप में देखता हूं, परिवर्तन के दूत के रूप में मैं देखता हूं। दुनिया के सारे देशों के इतिहास के पन्नों को पलट कर यदि आप देखें
तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दुनिया के जिन देशों में यदि कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाई है तो वहां के नौजवानों ने निभाई है। और आज जब यह भारतीय जनता युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो मुझे याद आती है यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद की, और आपको याद दिलाना चाहता हूं 13 सितंबर का वह दिन है जबकि शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था 125 वर्ष पहले, उसको संबोधित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने भारत की सांस्कृतिक पताका को फहराने का काम किया था। और मैं मानता हूं यदि कोई हमसे पूछे कि भारत का पहला ग्लोबल यूथ आप किसे मानते हैं तो मैं तो डंके की चोट पर कहना चाहूंगा भारत का पहला और सबसे प्रभावी ग्लोबल यूथ किसी को कहा जाना चाहिए तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे, एक ऐसे यूथ आइकन थे जिन्होंने कि 19वीं शताब्दी में मेरे नौजवान मित्रों भारतीय जनमानस को न केवल जगाया बल्कि उनमें मौजूद योग्यता प्रतिभा क्षमता को का भी आभास उन्हें दिलाया, एक ऐसी शख्सियत थे। लेकिन आज यदि मैं नौजवानों की इस कार्यक्रम में मौजूद हूं तो एक वाक्य की मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद की, क्योंकि आप अपने राजनीतिक जीवन में कदम रख चुके हैं, युवा हैं, सबसे बड़ी पूंजी जो युवा की होती है वह चरित्र की होती है। नौजवानों अपने जीवन में कभी चरित्र के साथ समझौता मत करना, क्योंकि जिस समय धर्म संसद को संबोधित करने स्वामी विवेकानंद गए थे उनके वेशभूषा को देखने के बाद दूसरे देशों से आए हुए लोग मुस्कराने लगे, वह मुस्कान व्यंग्यात्मक थी। उन्होंने कहा कि यह ढीला ढाला कपड़े पहने हुए सिर पर साफा बांधे हुए यह व्यक्ति विद्वानों की सभा में क्या बोलेगा, और इस व्यंग्यात्मक मुस्कान को स्वामी विवेकानंद ने पहचान लिया। और स्वामी विवेकानंद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। मैं समझता हूं स्वामी विवेकानंद के इस वाक्य को हम सभी को याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बाद स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने समाज सुधार आंदोलन सारे देश भर में चलाया, सिलसिला आगे बढ़ता रहा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, बड़ी संख्या में क्रांतिकारी यहां पैदा हुए, जाकर 1947 में भारत हमारा बहनों भाइयों आजाद हुआ, आजादी मिल गई, स्वराज मिल गया। लेकिन सुराज की जो हमारी आकांक्षा थी, हमारी वह सुराज की आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारी सुराज की आकांक्षा भी पूरा हो रही है, गुड गवर्नेंस की भी हमारी आकांक्षा पूरा हो रही है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत में मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भारत के नौजवानों में योग्यता प्रतिभा और क्षमता की भी कोई कमी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इसके पहले हुकूमत करने वाली राजनीतिक पार्टियों से कि भारत में सब कुछ होने के बावजूद भारत आज तक दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में आकर क्यों नहीं खड़ा हो पाया, इस सवाल का जवाब उन सारी राजनीतिक पार्टियों से चाहता हूं जिन्होंने कि अब तक हिंदुस्तान में सरकार चलाई है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि बहनों भाइयों उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को जो दिशा मिलनी चाहिए थी, जो काम करने की रफ्तार मिलनी चाहिए थी, अवसर मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने वह रफ्तार न तो हमारे नौजवानों को दी और न तो हमारे नौजवानों को कोई दिशा दी। आप जानते हैं आज हिंदुस्तान में 35 वर्ष की आयु के नीचे 65% आबादी है, सब मिलाकर देखा जाए तो 125-130 करोड़ की आबादी में
80 करोड़ हिंदुस्तान का नौजवान है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आबादी देखें तो उससे 2.5 गुना आबादी हिंदुस्तान में किसी की है, तो मेरे बहनों भाइयों आप जैसे नौजवानों के हिंदुस्तान में यह आबादी है। और मैं मानता हूं हमारी यह आबादी नौजवानों की जनसंख्या हमारे लिए यह बोझ नहीं है बल्कि हमारे लिए यह एसेट है। इसको मैं एक डेमोग्राफिक डिविडेंस के रूप में मैं इसे देखता हूं। आज जिन देशों में नौजवानों का अभाव है उन देशों में जितनी तेजी के साथ प्रगति होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों उतनी तेजी के साथ प्रगति नहीं हो रही है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि पहली बार उन्होंने इस हिंदुस्तान में इस देश के नौजवानों को विकास में और इस देश को ऊंचाई तक ले जाने में एक भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यही कारण है ना कि आज विश्व का हर अर्थशास्त्री इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यानी किसी कंट्री की है, तो बहनों भाइयों हमारे और आपके देश भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जिस समय 2014 में हम लोगों की सरकार बनी थी देश की अर्थव्यवस्था का हमारी आकार साइज के हिसाब से देखा जाए तो वह 9वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन 4 वर्षों के अंदर ही आप सबका सहयोग लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने जो सरकार चलाई है बहनों भाइयों आज फ्रांस को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा और आपका यह भारत खड़ा हो गया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यदि यही सिलसिला आगे चलता रहा तो 2030 आते आते दुनिया की कोई ताकत हमें इस विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होने से रोक नहीं सकती है, यह मेरा पूरा विश्वास है। यह जो हालात प्राप्त हुए हैं उसमें सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है बहनों भाइयों आप जैसे नौजवानों का है। मैं जानता हूं हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का नौजवान यह स्वाभिमान का धनी है। स्वाभिमान यह व्यक्तिगत भी होता है, स्वाभिमान यह सामाजिक भी होता है, लेकिन स्वाभिमान राष्ट्रीय भी होता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के संबंध में आपको ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे देश के नौजवानों के अंदर यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना न रही होती तो आज तक हमारा देश यह कभी आजाद नहीं हो पाता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाकुल्ला खां की कैसी प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी कहीं अंग्रेज विदेशियों की विदेशी गोली हमारे सीने में प्रवेश करके हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह देश आजाद हुआ है। मैं भूल नहीं सकता उस अशफाकुल्ला खां को, 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा जवान हो गया है शादी कर ले, बहूला मैं बूढ़ी हो गई हूं मेरी देखभाल करेगी मेरी परवरिश करेगी। लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला के दिल में तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, वह मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब उन्हें फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा बोलो अशफाकुल्ला तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खां ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ए मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा
क्या अशफाकुल्ला तुम फांसी के तख्त पर खड़े होते ही पागल हो गए हो? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम अपनी शादी रचाने जा रहे हो? राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खान ने मेरे बहनों भाइयों मुस्कुराते हुए कहा था, ए मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, पागल तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे नौजवानों के कारण ही हमको आजादी हासिल हुई है। भारत का गृह मंत्री होने के नाते भी मैं कह सकता हूं, आज यदि भारत सुरक्षित है, सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है, तो हमारे देश के उन नौजवानों का जो कि सेना में भर्ती होकर, विभिन्न सुरक्षा बलों में भर्ती होकर देश को सुरक्षा दे रहे हैं। आज देखा जाए नक्सलिज्म के मामले में भी तो तेजी से गिरावट आई है, 50% से अधिक का नक्सल उग्रवाद अब हिंदुस्तान से समाप्त हो चुका है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी का प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी भी अब लगभग 80% से अधिक समाप्त हो चुकी है। हमारी सरकार के आए हुए लगभग 4.25 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन आपने देखा होगा हिंदुस्तान में एक स्थान पर भी कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं सेना और सुरक्षा की अन्य एजेंसियों में भर्ती अपने भारत के नौजवानों को, इसका श्रेय मैं देना चाहता हूं। आज यह शानदार हम सबको उपलब्धि हासिल हुई है, और बहनों भाइयों, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारा भारत आज सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। पूनम महाजन ने सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा की है, यह एक डिसाइसिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाई। उसमें भी सेना के और हमारे सुरक्षा के नौजवानों ने शामिल होकर इस देश में के मान और सम्मान को ऊंचा उठाया है। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं नौजवान को तो केवल रोजगार चाहिए, लेकिन मैं नौजवानों, मैं भारत के नौजवानों को की जरूरत केवल इतना ही नहीं समझता हूं कि उनके हाथों को रोजगार चाहिए, रोजगार के अतिरिक्त भी इसे हिंदुस्तान के नौजवानों को चाहिए। क्या चाहिए? वो भारत को शिखर पर ले जाने के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, यह तड़पन हम अपने देश के नौजवानों के अंदर देखी है। उन्हें रोजगार भी चाहिए तो मान और सम्मान भी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और आज आप सब भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, और मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक अपील करना चाहता हूं। राजनीति के बारे में धारणा बदल गई है, लोग यह कहते हैं राजनीति का मतलब झूठ बोलना, फरेब करना, धोखा देना और अपने दोस्तों के पीठ में चाकू मारना, यही राजनीति रह गई है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं हम इसे राजनीति नहीं करते, और इस राजनीति को तो हम दूर से भी नहीं देखना चाहेंगे जिसमें कि धोखा हो, फरेब हो, छल हो, प्रपंच हो। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति, और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किशोर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। और आज मैं सभी नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं, आइए हाथ उठाकर हम सभी संकल्प लें, जब तक भारत की राजनीति में इस शब्द के खोए हुए अर्थ एवं भाव को हम वापस नहीं ला देंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे, यही संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मेरे नौजवानों, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, बराबर नेशनल इंटरेस्ट को पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर रखना, राष्ट्रीय हित को राजनीतिक हित से बराबर ऊपर रखना। लेकिन आजादी हासिल होने के बाद कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है, कई ऐसे अवसर आए हैं जबकि कांग्रेस ने
नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रखा है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय पॉलिटिकल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट एक ही था सभी राजनीतिक पार्टियों का कि देश आजाद होना चाहिए, लेकिन आजाद भारत हमको हासिल हो जाने के बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने उस समय कांग्रेस के लोगों को एक सुझाव दिया था, जिस कांग्रेस के बैनर के तले हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, अब लक्ष्य हासिल कर लिया है, आजादी हमको मिल गई है, इसलिए कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उस समय महात्मा गांधी की नहीं सुनी और यह फैसला करते समय उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर था। बहनों भाइयों, ऐसे हालात नहीं पैदा होने चाहिए। और आपने उसका परिणाम देखा, कांग्रेस सिकुड़ती चली गई, कांग्रेस सिकुड़ती चली गई। आज देश के एक दो राज्य बचे हैं जहां पर की कांग्रेस की सरकारें हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसने सदैव राष्ट्रीय हित को अपने राजनैतिक हित से ऊपर रखा है, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी केवल नहीं है बल्कि मैं कह सकता हूं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। मेरे बहनों भाइयों, आजाद भारत में सारी राजनीतिक पार्टियों के यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें तो मेरे बहनों भाइयों, किसी भी राजनीतिक गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल हुआ है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत की संसद में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई है, तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई है। क्योंकि बराबर हम लोगों ने जब राजनीति की है तो हम लोगों ने राष्ट्रीय हित को राजनीतिक हित से बराबर ऊपर रखने का काम किया है, इसलिए जनता ने हमको स्वीकारा है, इसलिए जनता ने हमको समर्थन दिया है, इस कारण हमारा विस्तार हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1971 में जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत को विजय प्राप्त हुई थी, तो जिस आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह युवा अधिवेशन हो रहा है, उस आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो भी काम किया है वह करिश्माई काम किया है, और इंदिरा गांधी की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अटल जी ने इस बात की चिंता नहीं की कि मैं इंदिरा जी की प्रशंसा कर रहा हूं संसद में खड़े होकर, इससे कांग्रेस पार्टी को लाभ होने वाला है और हमारी पार्टी को इससे नुकसान होगा, इसकी चिंता न करते हुए उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को उन्होंने त्याग दिया। यह चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है बहनों भाई। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि 1975 में जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी इलेक्शन पिटीशन हार गई थी, तो उस समय अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ऊपर रखा और सारे हिंदुस्तान को ही उन्होंने जेल बना दिया, इमरजेंसी की उन्होंने यहां पर घोषणा कर दी। लेकिन बड़ी संख्या में लोग जेलों के भीतर रहे, लाखों की संख्या में, लेकिन कुछ समय के बाद सारी राजनीतिक पार्टियों में विचार का सिलसिला प्रारंभ हुआ कि अब ऐसे हालात पैदा होने चाहिए सबको मिलकर नेशनल इंटरेस्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी को पराजित करना चाहिए और कांग्रेस को पराजित करना चाहिए। उस समय भी हम लोग भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे, भारतीय जनसंघ की हिंदुस्तान की राजनीति में एक हैसियत थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और अपने भारतीय जनसंघ का विलय उस समय की जनता पार्टी ने हमें कर दिया था। हम लोगों ने यह फैसला भी हम लोगों ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद तुष्टीकरण की राजनीति का सिलसिला उस समय की जनता पार्टी ने जब प्रारंभ कर दिया, हम लोगों ने देखा कि देश के समक्ष एक बड़ा संकट पैदा होगा, देश के लोगों के बीच एक डिवाइड, एक विभाजन के हालात खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के सदैव खिलाफ रही है। हम लोगों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जस्टिस फॉर ऑल, एपीजमेंट ऑफ नन, यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है।
न्याय सभी को मिलना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। उस समय हम लोगों ने देखा कि ये अपना रवैया नहीं छोड़ने वाले हैं, फैसला किया और हम लोगों ने 6 अप्रैल 1980 को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। और आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी के साथ मेरे बहनों भाइयों आज आगे बढ़ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट होना चाहिए, यानी राष्ट्र हमारे लिए नंबर एक पर, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम खुद आते हैं। और यही सही राजनीति है और यही राष्ट्रीय हित में राजनीति है, इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। कांग्रेस ने इसका ध्यान नहीं रखा और आज आप देख रहे हैं फिर से अपने उसी रवैये को ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अब राफेल डील की रट लगाए हुए हैं, सोते हुए भी राफेल, जगते हुए भी राफेल, चलते हुए भी राफेल, उठते बैठते भी राफेल। ये सोचते हैं कि यदि कोई झूठ 100 बार बोला जाए तो किसी न किसी हद तक लोग इसे स्वीकार कर लेंगे कि यह पूरा झूठ नहीं है, कहीं ना कहीं कोई सच तो है, इसलिए बराबर इसको दोहराते जा रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और हिंदुस्तान की जनता को भी बतलाना चाहता हूं, यह डील यूपीए के शासनकाल में भी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने जो डील की है उनसे बेटर डील की है। बहनों भाइयों, देश का क्या हित ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डील की है और हम लोगों ने जिस राफेल को लेने का फैसला किया है वह बैटल रेडी प्लेन है, आते ही वह युद्ध के मैदान में काम कर सकता है, ऐसे प्लेन को हम लोगों ने लेने का काम किया है। लेकिन हमसे वह पूछ रहे हैं कि आप यह बताइए कि इसके नट की क्या कीमत है, इसके बोल्ट की कीमत क्या है, इसके बॉडी की क्या कीमत है। नट बोल्ट की हमसे कीमत पूछी जा रही है, क्या तमाशा किया जा रहा है? बहनों भाइयों, जाने अनजाने देश की सुरक्षा के साथ मैं समझता हूं यह खिलवाड़ है। भारत देश की प्रगति को जो फूटी आंखों नहीं देख सकते हैं, मैं समझता हूं कि जाने अनजाने ऐसे जो भारत के विरोधी हैं उनकी मदद हो रही है ऐसे सवाल खड़े करने से। लेकिन आप जानते हैं राफेल कौन फेल, यह हालत है। यह समझते हैं कि जब हम शोर मचाएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे तो भाजपा की सीटें घट जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जब जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा शोर मचाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस हिंदुस्तान में बढ़ जाती है। बहनों भाइयों, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता में भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वसनीयता हासिल की है। और मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी एक अपनी राजनीतिक विचारधारा है, जिसकी एक अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी इस समय नहीं कह सकती है कि उसके पास अपना कोई पॉलिटिकल थॉट है, एक अपनी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। कोई राजनीतिक पार्टी दावा नहीं कर सकती, हम उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर, अपनी उस राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लगातार हम अपने कदम को, मेरे बहनों भाइयों, हम लोग लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हम लोगों ने एक वसूल की राजनीति को अपनाया है, एक चरित्र की राजनीति को अपनाया है, हमने मुद्दों की राजनीति को अपनाया है, इसलिए हमें कामयाबी लगातार हासिल हो रही है। और अपने युवा मोर्चा के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए बराबर इस बात का आप ध्यान रखना, जनता के बीच आपकी छवि केवल एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सोशियो पॉलिटिकल वर्कर के रूप में आपकी छवि उभर कर आनी चाहिए, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी छवि उभरनी चाहिए। आपने देखा नहीं,
हमारे प्रधानमंत्री ने, जब वो संगठन का भी काम कर रहे थे, उसके साथ साथ कोई न कोई सामाजिक काम, कोई सोशल वर्क भी वह करते रहते थे। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐसे समाज से जुड़े हुए कार्यक्रमों को उन्होंने अपने हाथों में लिया है। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण, ऐसे कई सामाजिक कार्यक्रमों को हमारे प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया है। तो बहनों भाइयों, जनता मेरी विश्वसनीयता अपनी बनाना चाहते हो, आप बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपकी इमेज केवल एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी इमेज जनता के बीच होनी चाहिए तो एक सोशियो पॉलिटिकल वर्कर के रूप में होनी चाहिए। और मैं अपने नौजवान दोस्तों, एक सुझाव मैं देना चाहता हूं, ध्यान से आप सुन लेना, क्योंकि यह युवा सम्मेलन अटल जी के नाम पर है। अटल जी ने एक बात कही थी, उसे जिंदगी में कभी मत भूलना। मैंने जहां जिस भी ऑफिस में मैं बैठता हूं, उनके उस कोट को मैंने बराबर लगा कर रखा है। और भारत का गृह मंत्री होने के बावजूद मैंने गृह मंत्रालय में भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का वह कोट लगा कर रखा है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, मेरे दोस्तों जिंदगी भर याद रखना। कभी भी छोटा मन करके काम मत करना, अपने ही दोस्त को, अपने ही सहयोगी को छोटे मन के कारण, मन की संकीर्णताओं के कारण कभी आगे बढ़ने से रोकना मत, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं। और आपको मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं, और अपने राजनीतिक जीवन में जो कुछ भी किया है उसी आधार पर मैं सुझाव दे रहा हूं। हमारे यहां पर महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी बैठे हैं, प्रारंभ से वे मुझे भी जानते हैं। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, राजनीतिक पार्टी में काम करते हुए किसी नेता के सामने हाथ मत फैलाना मेरे मित्रों, याचक बनकर मत रहना, मैं यह आप सबसे अपील करना चाहता हूं। नौजवान याचक नहीं होता है, नौजवान दाता होता है, भिखारी नहीं होता है, देने वाला होता है। जो मिलना है, जो मिलना है मिलकर रहेगा। जो भी आपकी भूमिका तय होनी है वह भूमिका तय होकर रहेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में सतत हम सबको काम करते हुए आगे बढ़ना है, मैं यह आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और जैसा आपके अध्यक्ष सुश्री पूनम महाजन ने कहा है कि भारत को हम विश्वगुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं, इस संकल्प को लेकर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं जानता हूं भारत के अंदर जैसा पोटेंशियल है, जैसी क्षमता है, उसके अनुरूप हमारा यह भारत आजादी हासिल होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाया है। मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने भी शासन किया, बराबर भारत को एक राष्ट्र के रूप में कमजोर करने की उन्होंने कोशिश की है। भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का बराबर उन्होंने उपहास किया है। और ज्ञान विज्ञान साहित्य जो हमारे भारत का है, सदैव उसे कमतर करने की कोशिश उन्होंने की है, बराबर डिमिन करने की कोशिश की है। जातिवाद, संप्रदायवाद को बराबर बढ़ावा देकर उन्होंने समाज को लगातार बांटने की कोशिश की है। लेकिन आज याद रखना एक मंत्र, भारत की ताकत है तो भारतीयता में भारत की ताकत है, उसकी राष्ट्रीयता में भारत की ताकत है, और सांस्कृतिक एकजुटता में भारत की ताकत है। इस मंत्र को जिंदगी भर याद रखना, और वह जितनी मजबूत होती चली जाएगी, मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत भी उतनी ही तेजी के साथ मजबूत होता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। भारत में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं यह सब सारी बातें मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। और मैं आज अंतिम बात आपको याद दिलाकर अपनी बात मैं समाप्त करना चाहता हूं कि मेरे नौजवान दोस्तों, भारत के अंदर कैसी ताकत है। आज 1991 से सारी दुनिया का नेतृत्व यह शोर मचा रहा है, यह पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड यह ग्लोबल विलेज हो गया है। लेकिन आप जानते हैं ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ जा रहा है, लेकिन हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने
हजारों लाखों वर्ष पहले ही पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखा है, एक ग्लोबल विलेज के रूप में नहीं देखा है बल्कि एक परिवार के रूप में देखा है। दुनिया के किसी दूसरे देश ने नहीं बल्कि हमारे और आपके देश भारत के ऋषियों और मनीषियों ने पहली बार वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देकर सारे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत की धरती पर रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि सारे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। यह एक भारत की ताकत है और इस ताकत को हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आज जैसे हालात पैदा हुए हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से इस समय डरी हुई हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। मैं कहना चाहता हूं, जितना बड़ा अलायंस करना चाहते हो उतना बड़ा अलायंस करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एजेंडा तो सही होना चाहिए। इनके पास देश हित से जुड़ा हुआ कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास एक ही एजेंडा है, मोदी रोको मोदी रोको मोदी रोको, बस एक ही एजेंडा है, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन सारे विपक्षी दलों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं इन्हें, ध्यान से सुन लें सारे विपक्षी दल, कि जो भी कांग्रेस के साथ गया उसका सफाया, उसको मिटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाई है, उसको मिटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाई है। और अंत में सारी विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ गईं, बाद में वह पश्चाताप करती हैं, और बाद में कहीं ऐसे हालात न हो जाए सारी विपक्षी पार्टियां आपस में गठबंधन कर लें और फिर बाद में जब कांग्रेस से वह धोखा खा जाए तो वह मीटू कैंपेन चलाने के लिए मजबूर हो जाए, कहीं ऐसे हालात नहीं पैदा होने चाहिए। और मैं लेफ्ट पार्टीज को भी कहना चाहता हूं, वामपंथी राजनीतिक पार्टियों से भी, कि आप सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों के साथ रहे हो, यही कारण है कि अब लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज भी अब हाशिए की तरफ जा रही हैं। पश्चिमी बंगाल से उनका वर्चस्व समाप्त हो चुका है, अब केवल एक राज्य बचा है, त्रिपुरा से उनका वर्चस्व समाप्त हो चुका है। तो जो भी कांग्रेस से मिला वह इस राजनीति से गया, इस हकीकत को सारी राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं, भाजपा आज एक सूर्य की तरह चमक रही है मेरे बहनों भाइयों, भाजपा के दिल की हसरत है, हमारे प्रधानमंत्री के दिल की हसरत है कि हम भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करें, भारत को एक हम महान भारत बनाएं, ऐसा भारत जो केवल धनवान ही न हो बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व करे, एक ऐसे महान भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। यदि हम ऐसे महान भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो वही तभी संभव है कि 2019 का जो हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मैं सभी नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, छोड़ दो 6 महीने के लिए अपना घर, यह संकल्प लेकर निकलो कि हमें भारत को एक महान भारत बनाना है, भारत को हमें विश्व गुरु के पद पर आसीन रहना है। इसलिए जब तक भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में 350 सीटों पर विजय प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। इस संकल्प के साथ आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों को आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अध्यक्ष और इस सफल कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष के साथ साथ उनके सारे पदाधिकारियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ देश के कोने कोने से आए अपने सभी नौजवान युवा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।